नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के आगे रख कर बहन को कह दिया, बहन चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं भाई जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसे भी हालत में है। तुरंत ससुराल पहुँचे, उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से काले और सफेद कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वो उन सबके पैर छूती गई। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, इस तरह आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाते ही देखा कि घर के आंगन में उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर सबने कहा, ले चलो इसे साथ में। वो साथ साथ शमशान भी चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। ये देखकर सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर सभी बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं एक झोपड़ी डलवा दो। वो उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में दो बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी सुनती। जब चौथ माता प्रकट होती और कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले घड़ी भुखारी, करवो ले, तब वो उन चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन वो उसे कहती, हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथे आई, सभी यह कहकर चली गई। अब अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग तुझे लौटाएंगी, तू उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वो बोली, पागल हो गई है ये, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। जब चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगाने वाली, करवो ले घड़ी बुखारी, करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मुझे मेरा सुहाग वापस करो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। अब चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आँख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली,
मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वो दौड़ी दौड़ी छोटी ननद के पास गई और बोली, बाईसा आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी को कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, मामा भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वो बोली, नहीं माँ मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो इस बेटे को साल भर पहले ही भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा दुख पहले साहूकार की बेटी को दिया वैसा किसी को भी मत देना, और जैसे बाद में उसको सुहाग का वरदान दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। जय चौथ माता।